फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि कल रक्षाबंधन है, तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी राखी, आप अच्छे से रक्षाबंधन बनाएं। तो आज मैं आपको राखी बनाना बता रही हूँ। इसमें मैंने दो कलर के धागे लिए हैं, एक ऑरेंज कलर है और एक येलो कलर है। आप अगर राखी बनाना चाहें तो सिंगल कलर, अगर आपके पास में दो कलर के धागे नहीं है तो आप एक सिंगल एक कलर भी ले सकते हैं, एक ही धागा ले सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपनी कुंडी पर लपेटें। ये देखिए, मैंने दोनों धागे एक साथ ले लिए और ये मैं अपनी उंगली पर लपेट। अब मुझे ये लग रहा है कि ये इतना राखी बनाने के लिए काफी है। ये मैंने यहाँ से ये काट दिया है और फिर बीच में से इसको धागे से बांध दिया। बांधने के बाद में हमने क्या करना है, इसके जो ये एक्स्ट्रा लंबे धागे निकल रहे हैं ये काट लेंगे, ये काटे और जो हमने इस तरह से बांधा हुआ है इसके जो ये जॉइंट्स हैं ये बंधे हुए इसमें काट दें, इससे इसके खुल जाएंगे। सारे जॉइंट्स काट दी। अब क्या करना है कि इसको आधी आधी के शेप में हमने इसको बीच से इस तरह से फैला देना, ठीक है। फिर हमने इसको एक शेप देनी है, इसके जो ये एक्स्ट्रा बड़े धागे ये बाहर निकले हुए हैं इसको राउंड शेप देना है। अब ये स्टूडेंट्स, अब ये जो है मैंने प्रॉपर शेप में इसकी कटिंग कर ली है और ये बीच में से इसको ऐसे करके रख दिया अभी। अब हमने बनाना है इसके लिए डोरी, तो डोरी देखिए।